हेलो एवरीवन, दिस इज सना हेयर. हाउ आर यू ऑल. एक्चुअली इन द लास्ट वीडियो हमारा जो रे डायग्राम वाला टॉपिक था वो अधूरा रह गया था. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो द अबाउट द रे डायग्राम्स एंड द रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर द कनकेव मिरर. ओके, सो हेयर इट इज. दैट इज द फर्स्ट रूल टू मेक द रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर. कनकेव मिरर जो के लिए जो रे डायग्राम बनता है उसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, रूल्स को जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉमन डायग्राम जिसके अंदर हमने एक कनकेव मिरर लिया है और वो सारी चीज़ें शो की हैं जो मैंने आपको स्फेरिकल मिरर में समझाई थी. सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस, पी फॉर पोल. ठीक है, एंड दिस लाइन इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस. सो इसके अंदर आप ये नहीं है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस या फिर पोल कहीं पर भी लिख देंगे. नहीं, जहाँ पर उसकी पर्टिकुलर स्पेस है आपको वहीं लिखनी है. सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्ट सेंटर में लिखना है जहाँ पर आपको जो सर्कल बनाया था उसका सेंटर होता है. जो फोकस है वो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो डिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट हाफ लिखना है. MN जो है वो आपका मिरर है. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होगा? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे अगर आती है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके, ठीक है, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ही प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसके अबव से आए या फिर बिलो से आए, लेकिन पैरेलल अगर आती है तो ये पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी किसके थ्रू? फोकस जो है, यानी हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसके थ्रू पास होगी. समझ में आया आपको? देखिए एक बार, ये लाइन आ रही है ऊपर से और एक नीचे से, दो लाइनें ले ली हमने जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है. ठीक है, ये यहाँ पर टकरा कर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी. दिस इज़ द फर्स्ट रूल कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी. ऐसे ही नीचे से शो कर रखा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी पैरेलल लाइन आती है वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर से फोकस से होकर गुजरेगी. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट रूल, दैट इज़ वेरी मच इजी. आफ्टर दैट रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर सेकेंड. ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है हमें? रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. पहले रूल में क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई आएगी तो फोकस से होकर जाएगी. ठीक है, यानी पैरेलल आई है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आई है तो फोकस से होकर जाएगी. सेकंड रूल में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई रे फोकस से आई है, फोकस से ही आई है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. यानी जो फर्स्ट रूल है उसका उल्टा. कैसे? देखिए, ये जो रे है कोई भी, ये फोकस से आई है, ये जो आपको एरो दिखाई दे रही है ये जाने की होती है. ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक रे जा रही है, तो जो फोकस है वहाँ से रे आई है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर, यानी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की. समझ में आ गया? दोनों रूल जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं. फोकस से आई है तो पैरेलल जाएगी और पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी. थर्ड रूल क्या है हमारा? अरे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ. दिस इज डिफरेंट थिंग कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे आई है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने ही रास्ते से, उसी रास्ते से जिससे वो आई थी, उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर रे आई है तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहीं पर नहीं जाएगी, वापस अपने ही रास्ते से वापस चली जाएगी. ठीक है, दिस इज द थर्ड रूल. आफ्टर दैट फोर्थ रूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. अ रे इंसिडेंट ऑन द पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल्स. अगर कोई भी रे आ रही है, ठीक है, और वो पोल पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई भी रे कहीं से भी आ रही है, अगर देखिए कोई भी रे कहीं से भी आ रही है और जो पोल है हमारा द मिड पॉइंट वहाँ पर टकरा रही है, वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर
वो यहाँ से जाएगी, है ना? तो अबव यानी ऊपर वाले पार्ट से यहाँ से आई और पोल से टकरा कर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाया था यानी इस एंगल से वो आई है, दैट इज़ द एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल से वो टकरा कर जाएगी यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? सो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ में आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार सी थ्रू कर लेते हैं दोबारा कनकेव मिरर के रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल क्या था कि कोई भी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है? दूसरा रूल क्या था, कोई भी रे है वो अगर फोकस से आई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी, ठीक है? थर्ड रूल क्या था, दिस वन, अगर कोई भी रे जो है कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वो अपने सेम पाथ पर वापस जाएगी। और फोर्थ रूल क्या है हमारा कि जो भी रे आई है और जो जो पोल है हमारा उसको, उससे इंसिडेंट हो रही है फिर वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो जो एंगल, जिस एंगल से वो आई है वो एंगल और जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो एंगल हमेशा इक्वल होगा, ठीक है? सो आई होप आपको ये फोर रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिस्कस करते हैं रे डायग्राम्स के बारे में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।